स्टूडेंट्स यहाँ पर है, अ मोटरसाइकिल कवर्स 100 km इन टू अ होल नंबर 1.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 300 km? एक मोटरसाइकिल जो 100 किलोमीटर जो है टू अ होल नंबर 1.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 300 km? तो उसे जो है 300 किलोमीटर का जो है वहाँ पर जो है डिस्टेंस तय करने के लिए कितने जो है लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 किलोमीटर्स के लिए टू अ होल नंबर 1.2 लीटर्स, और यहाँ पर 300 के लिए अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा लीटर्स चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो लीटर्स भी कम होंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो है लीटर्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम बहुत इजी वे से बोल सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो जस्ट हमने यहाँ पर ऊपर से नीचे लिखना है, पहले लिखना है 100, उसके बाद यहाँ पर लिखना है 300, और यहाँ पर प्रोपोर्शन 2:4 देन 5:2 देन रेशियो x कर देना है। तो यहाँ पर भी आपने यहाँ से ऊपर से नीचे आना है, यहाँ से भी आपने ऊपर से नीचे आना है क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर दो लाइन्स ड्रा करनी है जो कि हमें बताएंगी कि यहाँ पर कौन से जो एक्सट्रीम्स है कौन से मीन्स है। तो यहाँ पर 100 देन x जो है 100 देन x ये एक्सट्रीम्स है, और यहाँ पर 300 देन यहाँ पर 5:2 जो है वो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है मीन्स है। तो अभी जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर 100 यहाँ पर डिवाइड देना है और 100 यहाँ पर डिवाइड देना है। सो डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी वे से हमने यहाँ पर 100x/100 करने के बाद यहाँ पर 300 × 5:2 डिवीजन चेंज इन मल्टीप्लिकेशन देन 100 चेंज इनटू 1/100 में लिख देंगे। तो अभी 100 कर देंगे और यहाँ पर 3 × 100 का टेबल पड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। सो यहाँ पर 3 देन 5 को आपस में मल्टीप्लाई देंगे तो 5 × 3 = 15 देन 1 × 2 कर देंगे, और जस्ट हमने क्या करना है डियर्स, ये 15/2 जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जस्ट इसे हमने कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 7। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 180 सोल्जर्स हैव फूड स्टॉक फॉर 6 डेज, हाउ मेनी सोल्जर्स कैन ईट द सेम फूड फॉर 9 डेज। तो यहाँ पर ये है कि अगर 180 सोल्जर्स के लिए 6 दिनों तक का जो है फूड मौजूद है तो हाउ मेनी सोल्जर्स कैन ईट द सेम फूड फॉर 9 डेज। अगर अभी जो है वो हाउ मेनी सोल्जर्स कितने सोल्जर्स जो हैं सेम जो फूड है 9 दिन तक खाएंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर डेज जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेस डेज, अगर हम बोल सकते हैं लेस डेज देन वही जो अगर दिन कम होंगे तो वही जो फूड है वो ज़्यादा सोल्जर्स खा सकेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर लेस डेज तो वही जो है फूड मोर सोल्जर्स खा सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर डेज मोर कर दें, अभी अगर डेज मोर हो जाएंगे तो वही जो फूड है वो लेस सोल्जर्स खाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मोर और यहाँ पर लेस और यहाँ पर लेस और यहाँ पर मोर, तो मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसे हम ने इनवर्स प्रोपोर्शन बोल देना है कि ये जो है एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स हमने अभी इसकी जो है पहचान कर ली है कि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो जस्ट हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या करना होता है, पहले यहाँ पर नीचे से ऊपर जाना है तो एक क्वांटिटी को हमने नीचे से ऊपर लिखना होता है और एक क्वांटिटी को जो है एक को नीचे से ऊपर और एक को ऊपर से नीचे लिखना है। तो जस्ट यहाँ पर हमने पहले x लिख देना है क्योंकि इनवर्स है, तो x रेशो 180 कर देंगे। अगर यही डायरेक्ट होता तो हमने 180 पहले लिखना था फिर x लिखना था, बस यही डिफरेंस है। और बाकी यहाँ पर लिखना है 6 देन 9, मतलब यहाँ पर आपने नीचे से ऊपर जाना है और यहाँ से ऊपर से नीचे आना है। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर दो लाइन्स ड्रा करनी है जो कि हमें बताएंगी कि यहाँ पर एक्सट्रीम्स देन मीन्स कौन सी है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं 9 देन x जो है यहाँ पर एक्सट्रीम्स है,
और वो क्वांटिटीज हमने पहले लिखनी है, जैसे x रिलेटेड होगा तो यहाँ पर 9x लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई 6, तो जस्ट 9 यहाँ पर डिवाइड देना है, जस्ट 9 यहाँ पर डिवाइड देना है, 199 199 देन 199 देन 2918 देन 0, तो हम जस्ट x की अभी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं 600 देन 612, तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर कोई फूड यहाँ पर 6 दिन के लिए अगर कोई फूड 180 सोल्जर्स खा रहे हैं, तो अगर दिन अगर हम बढ़ा दें तो वही फूड जो है 120 सोल्जर्स जो है वो खा सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 44 फार्मर्स कुड रीप अ फील्ड इन 15 डेज, हाउ मेनी फार्मर्स कैन रीप द सेम फील्ड इन 10 डेज। तो यहाँ पर 44 फार्मर्स जो है यहाँ पर जो है कोई काम जो है 15 डेज में कर रहे हैं, तो हाउ मेनी फार्मर्स कैन रीप द सेम फील्ड इन 10 डेज, तो वही काम अगर 10 दिन में उन फार्मर्स ने करना है तो कितने दिनों में वो करेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है डेज अगर मोर, अगर डेज मोर होंगे तो हमने जस्ट बोल देना है कि यहाँ पर लेस फार्मर्स, लेकिन अगर डेज यहाँ पर लेस होंगे तो हमने बोल देना है कि यहाँ पर फार्मर्स जो हैं वो मोर। तो आपने याद रखना है कि अगर दो काम करने हो, एक के लिए हमें 15 दिन दिए गए हों और एक के लिए हमें 10 दिन दिए गए हों, तो अंडरस्टूड बात है अगर डेज हमारे पास ज्यादा होंगे तो हमने जो है काम करने वाले जो है कम रखने हैं, लेकिन अगर वही काम अगर हमें 10 दिन में करना होगा तो डियर स्टूडेंट्स हमने जो है वर्कर्स जो है बढ़ा देने हैं, तभी जो है वो जो काम है ऑन टाइम होगा। तो जस्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लेस और यहाँ पर मोर देन लेस, तो ये भी जो है एक इनवर्स प्रोपोर्शन है यहाँ पर, तो जस्ट हमने सेम मेथड अप्लाई करना है। आप या तो इस क्वांटिटी को नीचे से ऊपर लिखें या तो इसको नीचे से ऊपर लिखें, लेकिन आपने ये याद रखना है कि एक क्वांटिटी को आपने नीचे से ऊपर लिखना है और दूसरी क्वांटिटी को ऊपर से नीचे लिखना है। तो जस्ट हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हम जो है 10 लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर 15 लिख देते हैं, तो अभी देख सकते हैं हमने नीचे से ऊपर लिखा, तो अभी इसको हमने ऊपर से नीचे लिखना है, तो जस्ट यहाँ पर लिखना है 44 देन रेशियो एक्स। जी हाँ, आपने ये याद रखना है ये स्टूडेंट्स पॉइंट के एक क्वांटिटी को आपने यहाँ से नीचे से ऊपर लिखना और दूसरी को ऊपर से नीचे लिखना है, तो यही जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है और हम देख सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर इसी को लिखते तो दोनों को जो है ऊपर से इस क्वांटिटी को भी ऊपर से नीचे लिखते और इस क्वांटिटी को भी जो ऊपर से नीचे लिखते, तो लेकिन यहाँ पर इनवर्स में ये आपने पॉइंट याद रखनी है। तो अभी जस्ट यहाँ पर ये जो है एक्सट्रीम्स है और ये मीन्स है, तो 10 देन x को मल्टीप्लाई देंगे और यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई देंगे 44 के साथ, सो जस्ट 10 यहाँ पर डिवाइड दे देंगे, 10 यहाँ पर डिवाइड देंगे 110 110, और यहाँ पर 2 5 10 देन 3 5 15 देन 1 2 2 देन 2 देन 2 2 4। सो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने क्या करना है, 22 को जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई देना है, क्योंकि यहाँ पर 110 110 110 देन यहाँ पर x हमें मिल जाएगा, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 देन 22 को मल्टीप्लाई देंगे तो 3 2 6 देन 3 2 6, सो हम बहुत ही इजी वे से जो ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 44 फार्मर्स कोई काम 15 डेज में कर रहे हैं, अगर वही काम 10 डेज में करवाना है, तो हमने जस्ट यहाँ वहाँ पर जो है फार्मर्स या वर्कर्स जो है 66 लगा देने हैं, तो वही जो काम है 15 दिन के बजाय 10 दिन में जो है मुकम्मल हो जाएगा।